कोरोना वायरस महामारी के लिए वैक्सीन की खोज अब अंतिम चरण में है। ताजा डेटा यह भी है कि दुनिया भर में 10 वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फेज 3 यानी आखिरी चरण के क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुके हैं। 2 से 3 महीने पहले जो कंपनियां साल 2020 के आखिर तक वैक्सीन लॉन्च करने का दावा कर रही थी, उन्होंने तारीखें बदलनी शुरू कर दी है। आम जनता के लिए उतारने से पहले किसी भी वैक्सीन का कई चरणों में ट्रायल होता है। यह ट्रायल वैक्सीन के असर और उसकी सुरक्षा को जांचने के लिए होता है। सबसे पहले वैक्सीन प्री क्लिनिकल एनालिसिस से गुजरती है। इसमें वैक्सीन के अलग अलग पहलुओं को देखा जाता है। यहां से क्लियर होने के बाद वैक्सीन को जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। इसकी रिपोर्ट ठीक आने पर वैक्सीन को इंसानों पर ट्रायल की परमिशन मिल जाती है। इसके 3 चरण होते हैं। एक बार सभी ट्रायल हो जाए तो उसका डेटा ड्रग रेगुलेटर के पास भेजा जाता है। वह वैक्सीन कितनी कारगर है, सेफ है या नहीं, यह सब तय करने के बाद वैक्सीन को मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की परमिशन दे देते हैं। आमतौर पर वैक्सीन को पूरी तरह बाजार में आने में सालों लगते हैं, मगर कोरोना के चलते वैज्ञानिकों ने इसे महीनों में बदल दिया है।